हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सुरेश। तभी आप देख रहे हैं सुरेश का आर्ट केयर्स। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे ऑडी क्यू 5 की सर्विस कैसे होती है, पूरी लाइट रिचार्ज करती होती है, सब कुछ बताएंगे और उसका लेवल कैसे चेक होता है। फ्रेंड्स, तो आज आपको बताएंगे ऑडी क्यू 5 में सर्विस क्या क्या होता है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अपन डोर कर लेते हैं, यहाँ से बोनट ओपन कर लेंगे। देखिए चाबी निकाल लिया है, ऑफ हो गई है, तब बाहर चलते बोनट खोल लिया है। जैसा कि सबसे पहले जो है बोनट ओपन कर लिया है, ये देख लीजिए। तो इसको जो है यहाँ से कबाड़ को ओपन करेंगे, सिंपली ऐसा खींचलिंग निकल आया था, ये निकल गया है, जैसे कि ये निकल गया है। इसको यहीं रख देंगे ऊपर। तो आप सेकंड नंबर पे जो है जैक लगाएंगे, इसको उठाएंगे ऊपर करके, देख सकते हैं जैक लगा दिया हूँ, ऊंचा कर दिया है इसको। तो सेकंड नंबर जो है आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देख सकते हैं ऑयल चैम्बर बोल्ट है, ये 19 नंबर का है, देख सकते हैं 19 नंबर का है बोल्ट ये। तो इसको पहले खोल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ये बोल्ट खोल लिया है, मैंने ढीला कर लिया है, तो इसको निकाल देंगे। ऑयल चैम्बर बोल्ट है ये, देख लीजिए ऑयल गिर रहा है। तो ऑयल को गिरने देते हैं, नेक्स्ट के काम करते हैं फिर से दूसरा। जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑयल गेज है, लेकिन ऑयल गेज है नहीं, सिर्फ ढक्कन है। ये देखिए इसका ऑयल जो है अंदर से चेक होगा रेडियो से, जहाँ मीटर लगा होता है। और ये ऑयल फिल्टर की लोकेशन है, ये देख लीजिए 32 नंबर से खुलेगा, मैंने ढीला कर लिया है पहले से। अब इसको जो है बाहर निकालेंगे, देखिए बाहर निकाल लिया है, सेकंड नंबर यही है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये एयर फिल्टर है लगा हुआ है इसका। तो सबसे पहले ये पाइप हटाएंगे यहाँ से, टर्बो का है ये, इसको हटा लेंगे यहाँ से, पहले ढीला करते हैं, हटा लेते हैं इसको। जैसा कि आपने देखा एयर फिल्टर मैंने खोल लिए हैं, इसमें कुल स्क्रू जो है 6 पीस लगते हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है साइड में, ये देख लीजिए ये साइड में लगा हुआ है। तब जो है इसको ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया है, देख सकते हैं, निकाल लेते हैं फिल्टर इसका। ये तो देख लीजिए रिप्लेस करने लायक हो गया है, काफ़ी डस्ट है इसके अंदर। ये देख लीजिए 3 ओरिंग लगती हैं इसमें, ये देखिए इधर नई वाली 3 है। तो सबसे पहले ये वाली लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगी इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में। लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं, क्योंकि ये हाथ से लगाते नहीं बनता है। लीजिए ये पुरानी वाली ओरिंग है तीनों, हटा देते हैं इसको, फेंक देते हैं। देखिए इसमें लगा दिया मैंने नई वाली ओरिंग, ये देखिए पहली, सबसे पहले ये लगाना है, सेकंड नंबर पे ये लगाना है, थर्ड नंबर पे ये लगा देना है। उसके बाद फिल्टर आप देख लीजिए, ये है ऑयल फिल्टर। तो देखिए एक तरफ ये निकला हुआ है प्लास्टिक टाइप का है, एक तरफ ये देखिए नहीं है इधर, ये देखिए। तो आपको जो ये चीज़ जो है इसमें फिट कर लेनी है, यहाँ पर ऐसा करके, देखिए फिट हो गया ये। अब सिंपल क्या करेंगे, या इस ओरी में ऑयल लगाएंगे, इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल इस पर भी लगाएंगे। अगर आप चाहो तो ऑयल से इसको भी भिगो सकते हो, लेकिन मैं भिगाऊंगा नहीं, ऑयल नहीं डालूंगा इसके ऊपर, पर इसमें इसमें और इसमें इसमें इस सब में ओरिंग में ऑयल लगाएंगे बढ़िया से, तब फिट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसके अंदर भी यहाँ पर ऑयल फिल्टर जहाँ लगता है, इसके अंदर भी कपड़ा डाल लेना है, क्योंकि हल्का फुल्का ऑयल इसके अंदर रह जाता है, और साफ़ कपड़ा डालना है, एकदम साफ़ होना चाहिए। इसको भी क्लीन कर लेंगे। देख लीजिए बढ़िया से ऑयल लगा दिया है, इस पर भी लगा दिया है, इस पर भी मैंने डाला हुआ है, इस पर भी लगा दिया है। ओरिंग को ऑयल इसीलिए लगाया जाता है कि ओरिंग जो है कहीं टाइट करते समय फंस के फट ना जाए या टूट ना जाए, इसीलिए लगाया जाता है। तब सिंपली जो है इसको यहाँ डाल के यहाँ पे, डाल दिया है, देखिए सिंपली इसको टाइट कर लेंगे, फंस गया ये फाइनल। अब इसको जो है टाइट करेंगे, ऑयल फिल्टर को फाइनल टाइट कर दिया है, ये देखिए इसकी लोकेशन यही है, उस साइड पे लगा हुआ है जहाँ पे, इसको फाइनल टाइट कर दिया, बाद में चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एयर फिल्टर है, इसको देखिए बढ़िया से मैंने क्लीन कर लिया है, इसका बॉक्स भी देखिए बढ़िया से क्लीन किया है स्प्रे मार के, और इसके अंदर भी स्प्रे मार के क्लीन किया है। ये देखिए मारुति का ओरिजिनल स्प्रे है,
इसे साफ़ किया है, तो लगा लेते हैं एयर फिल्टर। ये इसका एयर फिल्टर है, तो फिट कर लेते हैं पहले इसको, बढ़िया से फिट कर देना इसको। देखिए बैठ गया बढ़िया से। अब सेकंड स्टेप होगा, ये इसको फिट करेंगे, इसको ये वाला ढक्कन जो है इसको फिट कर देते हैं। देखिए बढ़िया से इसको बैठा दिया है। अब क्या करेंगे, ये छः स्क्रू जो हैं अलंकी वाले हैं, इसको फाइनल टाइट करेंगे। इसको फाइनल टाइट करने के बाद जो ये लगाएंगे इसका डर वाला पाइप जो है, इसको फाइनल टाइट कर लेंगे। चलिए टाइट कर लेते हैं इसको पहले। जैसे कि आप देख रहे हो एयर फिल्टर एकदम फाइनल टाइट कर दिया है। अगर आपको चाहते हो पूरा बॉक्स निकालना, तो इसमें एक ही पेच नहीं लगे होते, सिंपली इसको निकाल के इसको ये हटा के टर वाला पाइप जो है इसको निकाल लेंगे। खाली आपको ये पाइप पतला से लगा हुआ है यहाँ पे, ये हटाना पड़ेगा, और नीचे से एक कनेक्शन लगा हुआ है तार का, ये हटाना पड़ेगा, ये आपका पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा। ये कम्प्लीट हो गया है, ऑयल फिल्टर भी कम्प्लीट हो गया है। अब नीचे चैम्बर में बोल्ड लगा देते हैं पहले। जैसा कि आप देख रहे होगे ऑयल पूरा निकल चुका है इसका, ये चैम्बर का बोल्ड है, तो जो है यहाँ पे फिट कर लेंगे, फाइनल टाइट कर लेंगे। तो फाइनल टाइट कर लेते हैं, फाइनल टाइट हो गया चैम्बर का नट, ये जो है देख लीजिए फाइनल एकदम कंप्लीट टाइट है। ये आप देख सकते हो फिल्टर का कवर्ड है नीचे वाला, डीजल फिल्टर का, तो दिखा देते हैं आपको, ड्राइवर डोर की तरफ है। ये लगा हुआ है डीजल फिल्टर, तो सबसे पहले जो इसकी असम्बली खोलेंगे, ये देखिए बोल्ट लगे हुए हैं, ये हटा लेते हैं खोल के। ये देख लीजिए सिंपली ये दो बोल्ट खोलने पड़ेंगे आपको, ये वाले, ये सिंपली यहाँ निकल आएगा बाहर। ये देखिए डीजल फिल्टर आ गया ये। अब ये वाला पाइप देखिए क्लिप लगी हुई है, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप सिंपली निकालना है, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप। चलिए निकाल लेते हैं पहले इसको। देख लीजिए डीजल फिल्टर खोल के निकाल दिया है मैंने, ये एरो देखिए ड्राइवर साइड गया इंजन की ओर, और ये देखिए इस साइड देखिए, ये मोटा है हल्का सा, और ये वाला जो है पतला है हल्का सा, ये देखिए देख रहे हैं, यही है सिस्टम। तो अब नया वाला ले के लगा देते हैं लाके। ये देखिए ये नया वाला है, ये देख सकते हैं, ये इस साइड मोटा है और इस साइड पतला है, ये इनपुट है ये, और ये आउटपुट है, इधर से इन करता है इधर से आउट करता है। तो इसको पहले सेट कर लेते हैं, पुराना वाला ये पड़ा हुआ है, ये नया वाला लगा लेते हैं, इसमें सेट करेंगे पाइप लगा देंगे। ये देख लीजिए नया वाला फिल्टर जो है पाइप से सही सेट हो गया है, इधर भी सेट हो गया है, देखिए सारे पाइप भी सेट हैं एकदम। तो अब जो है इसको सिंपली बैठाएँगे ऊपर की ओर, फिट कर देंगे इसको फाइनल। ये देख लीजिए फाइनल हो गए दोनों बोल्ट, सिर्फ दो ही बोल्ट लगते हैं, इधर से फाइनल हो गया है। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये बटन लगे हुए हैं, इसको मुंह पर आकर खोल लेना है, खुल गया ये भी खोल लेते हैं। ये फॉर्म का है सिंपली, ऐसे निकल जाएगा, देखिए निकल गया है। देख लेते हैं एसी फिल्टर, देखिए ये लगा हुआ है, इसको जो है इस साइड स्लाइड करेंगे, इस साइड पीछे साइड, ये देखिए ओपन हो गया है, ये एसी फिल्टर देखिए लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। देखिए निकल गया एसी फिल्टर, तो कट भी देख लीजिए आप, ये देखिए इस साइड है, ये देखिए एयर फ्लो कट जो है। अब इसको जो है रिप्लेस करेंगे, देखिए काफ़ी गंदा हो गया है। तो ये नया फिल्टर देखिए ले आया हूँ मैं, ये इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसमें केमिकल मिला होता है, इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ है वायरस मारने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, ये देख सकते हैं, इसीलिए इतना भारी भी होता है ये। अब सिंपली जो है इसको यहाँ पर फिट कर देंगे, इस बढ़िया से साफ़ कर लिया है मैंने ये सब, देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो इसको फिट करते हैं दिखाते हैं आपको, लगा के ये देख लीजिए सब बढ़िया से बैठ गया। तब ये जो है तो कैप जो है यहाँ पे सेट करेंगे, ऐसा करके यहाँ पे इसको आगे की ओर फोर्स कर देंगे हल्का सा, ये देखिए हो गया फिट, ये खांचों में बैठ जाता है, ये देखिए फिट हो गया फाइनली, लग गया है। अब जो है इसका वापस से वही कवर लगा देंगे, फॉर्म का जो कवर लगा हुआ था यहाँ पे लगा देंगे वापस से। ये देख लीजिए बढ़िया से एकदम बैठ गया है। तो अब जो है इसके बटन ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इसको जो है इसी तरह पुश कर देंगे, लगा देंगे चलना चाहते हैं,
मूव करा के लगेगा ये, इसी तरह निकला था, तो सारे फाइनल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जैक से डाउन कर लिया है, इसको नीचे उतार दिया है। अब जो है इंजन ऑयल्स में डालेंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए 5W40 है, एज है एज, तो इसको पहले टॉप कर देंगे, डाल देंगे तो पूरा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 4 लीटर का डब्बा है, ये इसको पूरा डाल दिया है। तो ऑयल गेज जो है अंदर से चेक कर लेंगे क्या पोजीशन है, अंदर पता चल जाएगा इसका। डाल दिया, अगर कम होगा तो और डालना पड़ेगा, तो चलिए ऑयल गेज चेक करते हैं अंदर जाके। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये पंप लगाया था, देख लीजिए यहाँ पर लगाया हुआ है सबसे इस साइड वाले पाइप में, और ये वाला पाइप निकाला गया डीजल वाला, ये जो है गया हुआ है ये देखिए डीजल निकला भी है इसमें से। देखिए अब जो है इसको वापस से लगा देंगे यहीं पर, यहाँ से इसको हटा देंगे। पाइप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला है, ये देखिए नीले कलर का मार्क लगा हुआ है इस पर। जैसा कि दिखाया था आपको मैंने एयर वेल निकाल लिया है, इसके थ्रू निकाला था ये पंप जो लगा हुआ है, तो ये पाइप लेके कनेक्ट कर दिया वापस से। तब चलते हैं स्टार्ट करेंगे इग्निशन को। ये देखिए चाबी जो है इसकी पुश कर देंगे हल्का सा, लगा दिया। तो एक बार इग्निशन ऑन कर लेते हैं, ब्रेक पे पैर रखेंगे तो गाड़ी स्टार्टिंग की कंडीशन पे आ जाएगी, तो अभी हमने ब्रेक पे पैर नहीं रखा है। ये ऑफ कर दिया, अब जो है ब्रेक पे पैर रखेंगे, देखिए बता रहा है ब्रेक पैडल पे। अब देखिए पुश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अब जो है बारी आती है ऑयल लेवल चेक करने की, तो इंजन ऑफ कर लेते हैं, इग्निशन ऑन कर लेंगे, ऑन कर लिया इग्निशन, की ऑन है। देखिए कार लिखा हुआ है, कार के बटन को प्रेस करना है, पुश किया, अब देखिए आ गया यहाँ पे जो इस वाले बीच से, इसको कर लेंगे ऑयल लेवल चेक करना है अपने को, क्लिक करते हैं इसको। अभी ये लेवल नहीं दिखा रहा है, तो इधर में चेक करते हैं। चलिए तो इसकी सर्विस लाइट जो है रिसेट कर लेते हैं, कार वाले गए। क्लिक करते हैं इसको, ड्यू ऑयल जो है इसको रिसेट पर क्लिक करते हैं, इसको जो है यस पे कर देंगे, रिसेट ओके कर देंगे। रिसेट हो गया, देख सकते हैं। लाइट चले जाते हैं यहाँ पे, आया ड्यू सर्विस लाइट रिसेट करने का। तो आपको जो है सिंपली देखिए कार वाले को प्रेस करना है, देखिए ऑयल का लेवल दिखा रहा है, ये ओके है। तो अपने को सर्विस लाइट रिसेट करना है, जिससे कि यहाँ पे गए देखिए सर्विस इंटरनल डिस्प्ले लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे आएंगे इस साइड, देखिए रिसेट लाइट लिखा हुआ है, यहाँ ओके करेंगे तो ये देखिए यस आ रहा है, यहाँ पे यस कर देना है आपको। तो हमने रिसेट कर दिया है, तो अब हमें नहीं जरूरत है। तो आप जो है ऑयल लेवल चेक करेंगे, तो सिंपली देखिए कार वाले को क्लिक करना है, क्लिक किया तो हम लोग जाएंगे बैक इसी से, अब जाएंगे ऑयल लेवल चेक करने के लिए। ये देखिए यहाँ से आपको ऊपर करना है, ये देखिए आ गया, तो ऑयल लेवल चेक करते हैं। ये देखिए इसमें ऑयल लेवल कम दिखा रहा है, तभी और टॉपअप करना पड़ेगा। ऑयल लेवल चेक करने के लिए आपको इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, तो ऑयल लेवल चेक होगा, तभी इसमें और टॉपअप करते हैं। सारा काम फाइनल हो गया, तो लास्ट बारी आती है चेक करने की, ये ऑयल फिल्टर है, ये चेक हो गया है, एयर फिल्टर फाइनल था ये। अब जो है आपको जो है ये कूलेंट है ओके है, मैंने चेक किया हुआ है, और ये यहाँ पे वाइपर का पानी पड़ेगा आपका, ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, और ब्रेक ऑयल यहाँ पे पड़ेगा, ये ब्रेक ऑयल यहाँ पे पड़ेगा, वो सब मैंने कर दिया है फाइनल। तो अब जो बारी आती चेक करने की, डीजल फिल्टर जो है वो चेक करना पड़ेगा लीकेज होके। ये देखिए ये भी फाइनल, ऑयल तो लमसम इसमें पूरा 5 लीटर पड़ गया है,
चलिए अब ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखिए कार पे जाना है, क्लिक करना है इसको, क्लिक कर दिया, स्क्रीन ऑन हो गई है। देखिए ऑयल लेवल है, इसको ओके करना है। इग्निशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लेते हैं, ऑन होगा तो ये देख लीजिए ऑयल जो है नक्स में फुल हो गया, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सेटअप पे फिर से कार ही दबाना है। अगर आपको सर्विस लाइट रिसेट करनी है तो देखिए नीचे आएंगे यहाँ से, ये देखिए लिखा है सर्विस इंटरनल डिस्प्ले, इसको क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे थोड़ा सा इससे, ये देखिए रिसेट आ गया लाइट, इसको क्लिक करेंगे। ये यस पे जाके यहाँ पे ओके कर देना, मैंने तो रिसेट कर दिया है, यहाँ पे ओके कर देंगे रिसेट चालू हो जाएगा। अगर बैक करना है आपको तो कार वाला दबाइए, या फिर आपको डायरेक्ट रेडियो आप दबा सकते हैं, ये देखिए ओके फ्रेंड्स।